यूपी के जनपद संभल में डॉक्टर की घोर लापरवाही से 7 महीने की गर्भवती ऋचा वत्तर की इलाज के दौरान अस्पताल में दर्दनाक मौत। मुकेश वत्तर ने अपनी पत्नी को प्रेम मकानता नर्सिंग होम हॉस्पिटल चंदौसी सुभाष रोड में एडमिट किया था। उसका इलाज श्रीमती प्रेम मकानता श्याम इलाज कर रही थी। मुकेश वत्तर ने डॉक्टर पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि वैसे तो डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन डॉक्टर श्रीमती प्रेम मकानता का हैवानियत चेहरा सामने आया, जिसकी घोर लापरवाही की वजह से 2 मौत हो गई। उस नवजात शिशु ने अभी तो जन्म ही नहीं लिया था, उसका क्या कसूर था? डॉक्टर श्रीमती प्रेम मकानता की घोर लापरवाही की वजह से दुनिया देखने से पहले ही उसकी मौत का कारण बन गई। परिजनों का कहना है कि इस हॉस्पिटल में काफी लंबे समय से मरीजों की जिंदगियों से डॉक्टर खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको जमकर लूटने का काम भी कर रहे हैं। पहले भी कई बार इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की घोर लापरवाही की वजह से कई घर तबाह हो गए हैं। मैं मुरादाबाद में रहता हूँ और ये जो पेशेंट एक्सपायर हुआ है ये मेरी साली है। साली एक रिश्ते में है लेकिन मैं उसे बेटी मानता हूँ। और ये जो यहाँ पे ट्रेजडी हुई है ये डॉक्टर की लापरवाही से हुई है, 100% इस पे डॉक्टर की लापरवाही है। जैसा डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इस ट्रिप पे मोस्टली एक रिएक्शन हो जाता है, तो आधी बोतल चाय इन्होंने 1 घंटा 10 मिनट में एज पर द वॉइस ऑफ डॉक्टर 1 घंटा 10 मिनट में 50 ml 100 ml की बोतल थी तो 50 ml 1 घंटा 10 मिनट में खर्च हुई और बाकी की 35 ml 15 ml अभी भी ये कहते हैं डॉक्टर कि उसमें बाकी है। 35 ml जो इन्होंने चढ़ाई वो 10 मिनट में चढ़ाई, जबकि इन्हें मालूम था कि इसमें रिएक्शन हो सकता है। तो उस समय डॉक्टर या डॉक्टर की मिसेज जिनके अंडर में ये मेरा पेशेंट था क्यों नहीं अवेलेबल रहे? इन्होंने झोला छाप नर्स के हवाले क्यों कर दिया? ये डॉक्टर की सरासर बेईमानी और लापरवाही और पैसे को लूटने का यहाँ पे प्रयास करा जा रहा है। मैं इसमें लीगली एक्शन लूंगा और पूरी कोशिश करूंगा, मैं इस केस की पोस्टमार्टम कराऊंगा और पोस्टमार्टम कराने के बाद FIR लिखवाऊंगा और जो कुछ मुझसे हो सकेगा वो मैं करूंगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।